नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलरली YouTube के बारे में एक डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या YouTube को एक करियर ऑप्शन मानना चाहिए या नहीं। अगर मानना चाहिए तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सब्सक्राइब कीजिए सत्यम कीर्ति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ कि भारत में YouTube की क्या स्थिति रही है, कैसे कैसे इसने ग्रो किया है। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया में 2015 से पहले YouTube उतना फेमस नहीं था। YouTube फेमस ही तब हुआ जब जियो ने इंटरनेट को फ्री कर दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग YouTube को फॉलो करने लगे, YouTube पर क्रिएटर बन गए, YouTube पर खुद का वीडियो पोस्ट करने लगे। तो 2015 से पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि उस टाइम में क्रिएटर बहुत कम थे, जिसके कारण जो भी लोग वीडियो डालते थे उनको ऐड से अच्छी अर्निंग होती थी। लेकिन जैसे ही ये 2015 के बाद का सीन क्रिएट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटर बनने शुरू हो गए। हर महीने करीब करीब लाखों लोग YouTube पर अपना चैनल बनाने लगे और वीडियो पोस्ट करने लगे। नतीजा ये हुआ कि YouTube ने जो पहले अर्निंग का जो पार्टीशन था, YouTube आपके अर्निंग का अपना पार्ट पहले रख के तब क्रिएटर को देता है। जैसे आज के डेट में जो सीन है वो, अगर $100 किसी ने अर्निंग किया है तो इसका मतलब है कि $100 में से $60 YouTube रखेगा और $40 ही क्रिएटर के पास में जाता है। तो 60-40 का रेशियो है आज के डेट में ये। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हो गया। ये तो रही कॉम्पिटिशन की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या यूट्यूब में क्या ग्रोथ रहेगा। अगर कोई बंदा इसमें काम करना चाहता है तो क्या उसमें ग्रोथ उसको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, YouTube का अपना अलग ही कुछ नियम कानून है, जिसमें अगर आपने उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किए तो आपके चैनल को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, आपके चैनल को हटा भी सकता है। तीसरी बात, जो भी कमाई आप अपने वीडियो के माध्यम से करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा YouTube अपने पास रख लेता है और तब आपको एक छोटा अमाउंट आपके खाते में जाता है, और वो भी YouTube का पेमेंट देने का भी सिस्टम बहुत ही लंबा चौड़ा है। जैसे 20 जनवरी को अर्निंग अगर आपकी $100 की हुई थी तो आपको ये 30 जनवरी का पेमेंट आपको मिलेगा फरवरी के 21 तारीख को। तो ये समझिए कि कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इस पर उतना रिलाई नहीं किया जा सकता एक करियर के मामले में, क्योंकि देखिए करियर उसको हम बोलते हैं जिसमें सिक्योरिटी हो, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा अगर इमरजेंसी आता है तो आप लोन भी ले सकते हैं। लेकिन YouTube के अर्निंग के बेसिस पर आप सोचेंगे कि लोन ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भी YouTube के बारे में कुछ ऐसा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचिए, क्योंकि हाँ, एक चीज़ तो YouTube ने ज़रूर दिया कि अगर आपके पास खाली समय है या कोई भी समय है, आप उसका उपयोग करके आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी ज्ञान है, आप अपने थ्रू दूसरे लोगों को दे सकते हैं, आप YouTube के थ्रू दूसरे लोगों को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट मीडियम है, और अच्छी बात यह है कि उसी चीज़ का आप मोनेटाइज करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि एक यूँ समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है। वैसे तो इस पे पर्पस किसी भी क्रिएटर का ये होना चाहिए कि उसके अंदर जो नॉलेज है वो दे, अगर उसके बदले में उसको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस पर डिपेंडेंट होना ये सही नहीं है। बहुत सारे आजकल YouTube पर आप देखेंगे कि इस टाइप के वीडियो बना रहे हैं लोग कि YouTube बेस्ड या सरकारी नौकरी बेस्ड। ये देखिए कंपैरिजन का पहले हिसाब देखिए, सरकारी नौकरी और YouTube। सेकेंड हो गया प्राइवेट जॉब अच्छा है कि YouTube अच्छा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अगर आप YouTube के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ही चाह रहे हैं तो आप यूज कीजिए इसका एक लॉन्च पैड के टाइप से। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई ऐसा बेहतर शौक है जो कि लोगों को काम भी आए और आप उसके बेसिस पर आप अपना खुद का एक ब्रांड जेनरेट कर सकते हैं, तो आप उस वे में काम कीजिए। आप सिर्फ पैसे के लिए अगर आप YouTube पर आ रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसमें उतना ज़्यादा पैसा अब के डेट में नहीं है। तो अगर आप YouTube पर आना ही चाह रहे हैं तो आइए, लेकिन करियर के हिसाब से बिल्कुल भी मत आइए। हाँ, पार्ट टाइम अर्निंग के लिए ये काम ठीक है, आप वीडियो बना के डाल दिए, धीरे धीरे अपना काम चल रहा है, कुछ पैसे आ ही जाते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका मेन करियर पे होना चाहिए। अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं तो किसी
अपने जॉब पर पूरा पूरा फोकस कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस पर फोकस कीजिए। 100% दिन भर का टाइम यूट्यूब पर लगाना मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन में बेहतर है अगर आपको एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, अगर आपको मीडिया के फील्ड में जाना है, तो आप यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी कॉमेडी चैनल है आप देख लीजिए, चाहे बड़े बड़े चैनल हो गए जैसे बीवी का वाइंस हो गया, या अमित भड़ाना हो गया, या आशीष चंचलानी, ये सारे लोग कौन हैं? ये लोग एक सिंपल यूट्यूबर हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए ये लोग स्टार हो गए हैं। ये लोग सिर्फ यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, अपने टैलेंट को यूट्यूब पर डाला और इसको एक लॉन्च पैड की तरीके से इस्तेमाल किया। इसमें खुद ही अपने आप को लॉन्च कर दिया एक टाइप से। मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपको टैलेंट को पहचान रहे हैं, तो आपको और भी अच्छे लोग मौका जरूर दें। तो ये मौका सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट के सेक्टर में ज़्यादा मिलना है, रेस्ट ऑफ द सेक्टर में आपको उतना नहीं मिलता है, मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, बट 100% डिपेंडेंट होकर मत कीजिए। और यूट्यूब को एक करियर मानना ये सबसे बड़ी गलती होगी। टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ज़िंदगी ही इसके ऊपर हम बिताने का सोचने लगें, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट के थ्रू बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।